तो गाइज आप जब भी न्यू थंबनेल को डिजाइन करते हैं आपको एक चीज की जरूरत हमेशा महसूस होती है और वो है अच्छा फॉन्ट। तो इस वीडियो में हम स्टेप वाइज स्टेप जानेंगे कि किस तरह से आप फोटोपी फोटो एडिटर ऐप में कस्टम फॉन्ट्स को ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे अपने ब्राउजर में और यहाँ पे photopea.com ओपन करेंगे और इसके बाद हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कोई भी रिक्वायर्ड डायमेंशन हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे YouTube थंबनेल का साइज ले लेता हूँ 1920 वेट एंड 1080 हाइट और इसके बाद मैं सिंपली कर दूंगा क्रिएट बटन पे क्लिक। और इसके बाद हम एक वेबसाइट ओपन करेंगे जिसका नाम है thefont.com। तो द फॉन्ट पे आपको बहुत सारे कस्टमाइज फॉन्ट्स मिल जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम सैन सेरिफ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कोई भी अच्छा फॉन्ट हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला फॉन्ट अच्छा लग रहा है बिल्ड टिल्टिंग, तो मैं सिंपली इसको डाउनलोड कर लूंगा। तो गाइज हमें जो हमारा फॉन्ट मिलेगा वो जिप फाइल में मिलेगा, तो सबसे पहले हमें इसको एक्सट्रैक्ट करना है और इसके लिए हम अपने ब्राउजर में न्यू टैब ओपन करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे ऑनलाइन जिप एक्सट्रैक्टर और यहाँ पे हम कोई भी ऑनलाइन जिप एक्सट्रैक्टर ओपन कर लेंगे और इसके बाद हम अपनी जिप फाइल को यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सट्रैक्ट टू ड्राइव, मैं इस पर क्लिक करूंगा सिंपली और यहाँ पे आप अपना अकाउंट चूज करेंगे। फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा व्यू फाइल्स इन ड्राइव, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सारे फॉन्ट्स ड्राइव में आ चुके हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, जितनी भी OTF फाइल्स हैं हम इनको सेलेक्ट करेंगे और अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो सारी फाइल्स हैं वो डाउनलोड हो चुकी हैं। अब वापस से हम जाएंगे फोटोपी फोटो एडिटर ऐप में, इसके बाद आप चूज करेंगे टेक्स्ट वाला ऑप्शन और यहाँ पे आपका जो सिलेक्टेड फॉन्ट है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा और यहाँ पे आपको लोड फॉन्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। आप सिंपली लोड फॉन्ट पे क्लिक करेंगे और अपना जो फॉन्ट है उसको अपलोड कर लेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मैनेज इट इन एडिट लोकल स्टोरेज, तो आप इसको ओके कर देंगे और यहाँ पे हमारा जो फॉन्ट है वो अपलोड हो चुका है। अब अगर मैं इसे आपको सर्च करके दिखाऊं तो मैं सर्च करूंगा इस फॉन्ट को और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ये फॉन्ट आ चुका है। तो इस तरह से आप कस्टमाइज फॉन्ट को फोटोपी फोटो एडिटर ऐप में ऐड कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। तो गाइज ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो न्यू वीडियोस मैं बनाऊं वो टाइमली आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू आपके मोबाइल डिवाइस या डेस्कटॉप डिवाइस में मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच गाइज़।